दोस्तों, कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए आपको सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है, पहला मेहनत और दूसरा कभी न टूटने वाला हौसला। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है बिहार के लाल प्रणय कुमार ने। निजी शिक्षकों की समस्याओं को लेकर 2003 से लेकर आज तक के जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। पूरे बिहार में शिक्षक रथ निकालकर शिक्षक के आंदोलन को एक नया आयाम और पहचान दिए। उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा ही आगे बढ़ते रहने का काम किया। खुद अभाव में जीते हुए भी हर समय शिक्षक और समाज की सेवा के कार्य में लगे रहते हैं। इस वजह से पिछली बार तिरहुत स्नातक के चुनाव में स्नातक मतदाताओं ने भरपूर सहयोग किया और उन्हें वोटों के रूप में अपना सहयोग दिया। जब वोटों की गिनती चलने लगी तो प्रथम श्रेणी के वोट को देखकर दिग्गज नेताओं को भी पसीने आने लगे, क्योंकि उनमें वे सबसे आगे चल रहे थे। द्वितीय श्रेणी के वोट की गिनती में भी वे कांटे की टक्कर दे रहे थे और हार जीत क्लियर नहीं हो रहा था। ऐसे में तृतीय श्रेणी की वोट की गिनती कराई गई जिसमें वे पिछड़ गए, लेकिन इस बार मतदाता का मूड पूरी तरह से प्रणय कुमार की तरफ नजर टिकाए हुए है। पूरी तरह से प्रणय कुमार से आशान्वित हैं। यह तिरहुत स्नातक के मतदाताओं का प्यार और दुलार का ही असर था कि उन्होंने दो बार विजयी रहे उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दी। स्नातक मतदाता का मानना है कि वर्तमान एमएलसी जो 18 वर्षों से काबिज हैं उनका कहीं भी कोई भी काम नहीं दिख रहा है। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर जिला में अवस्थित है, जहां खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और जुबा सहनी जैसे वीरों ने अपना बलिदान दिया है। उसी धरती के लाल हैं प्रणय कुमार। दो संतान खोने के बाद भी उन्होंने अपने हौसले को कमजोर नहीं होने दिया और निरंतर शिक्षक और समाज की सेवा करते रहे। आपको बता दें, कुछ लोग उन पर गैर शिक्षक होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन प्रणय कुमार खुद को गैर शिक्षक होने का सबसे बड़ा सबल पक्ष मानते हैं, क्योंकि एक गैर शिक्षक होने के कारण वे किसी भी समय शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। वैसे तो प्रणय कुमार की एक अलग छवि शिक्षक समाज में बनी हुई है, जिस वजह से बिहार के तमाम संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं में अपनी पहचान बना चुके हैं। विभिन्न संगठनों में आस्था रखने वाले भी उन्हें अपना नेता मानते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दूसरे संगठन के लोग भी उन्हें इज्जत भरी नजरों से, प्रतिष्ठा भरी नजरों से देखते हैं। अभी वर्तमान में परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश संयोजक हैं, तो आइए जानते हैं उनसे कुछ बातें, उन्हीं की जवानी क्या संदेश देते हैं या आगे की उनकी क्या रणनीति है, इस पर उनसे हम बात करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी प्रतिनिधि बन गए जो सिर्फ अपने बचाव के लिए, अपने मार्केटिंग के लिए प्रतिनिधि बनते हैं। जो समाज सेवा की बात है वो सेवा कार्य के लिए नहीं आए हैं, न सेवा कार्य से आए हैं। तो वैसी स्थिति में जो गरीबों की समस्या है, जो शिक्षित बेरोजगारों की समस्या है, उस समस्या के बारे में वही समझ सकता है जो उस दौर से गुजरा है, उसके बीच काम किया है। हम आपके बीच जाएंगे ही नहीं, झोपड़पट्टी में जाएंगे ही नहीं, शिक्षित के बीच जाएंगे ही नहीं, तो हमको पता कैसे चलेगा जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी क्या समस्या है। हम लोग तो छात्र राजनीति से ही जुड़े रहे और छात्रों के बीच और शिक्षकों के बीच समस्या रहे, तो जो बेरोजगार की समस्या है उसको एक एक पल जानते हैं। अभी भी हम जाते हैं आते हैं तो देखते हैं। आज सरकारी स्तर पर आप देख रहे हैं, यह हमारी प्राथमिकता में है।
कि जिस तरह से बेरोजगारी भत्ता हमारी प्राथमिकता में है, हमारी प्राथमिकता में यह भी है कि जो हमारे बच्चे आज परीक्षा देने के लिए हमारे भाई जाते हैं, हमारी बहन जाती है, नालंदा चली गई, नवादा चली गई, मुंगेर चली गई और वहाँ के लोग यहाँ आ गए, लेकिन उनके रहने का, रात्रि विश्राम का समुचित व्यवस्था सरकारी माध्यम से कहीं नहीं किया जाता और उसमें कोई खर्च भी नहीं है। सरकार यह भी बहाना नहीं कर सकती है कि इसमें अलग से खर्च होगा, परीक्षा देने आएंगे तो इतने लोगों को हम कैसे रोकेंगे। ये तो सिर्फ जो हमारे प्रतिनिधि हैं उन्होंने आज तक ध्यान ही नहीं दिया कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने शिक्षित बेरोजगारों के लिए कुछ करें। नहीं तो जितने भी हमारे सरकारी संस्थान हैं, कॉलेज है, हाई स्कूल है हमारे पास शहर के अंदर, उसका जो कैंपस है, रात्रि में उसके कैंपस की व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ पर जो हमारे छात्र आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए, बाहर से आ रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था हो जाए, खाने की व्यवस्था वो खुद भी कर लेंगे ना। वहाँ पर सरकारी स्तर पर हम कैंटीन भी लगवा सकते हैं जिससे वो अपना कुछ मूल्य निर्धारित रहेगा, उस मूल्य को देंगे भी और उनके खाने की अच्छी व्यवस्था भी हो जाएगी और हमको कहीं से अलग से रुपया भी नहीं लगाना होगा और हमारे जो बेरोजगार परीक्षा देने आ रहे हैं उनको रात भर जग के स्टेशन पर नहीं रहना होगा। और हमारे प्राथमिकता में है कि सभी जिला मुख्यालय पर जो हमारे बच्चे परीक्षा देने आएंगे, जाएंगे बच्चे बच्चियां, सरकारी स्तर पर रात्रि विश्राम की व्यवस्था और सुरक्षा की व्यवस्था हर सेंटर पर करने की व्यवस्था सरकार के माध्यम से कैसे निर्धारित हो, इसके लिए भी हमारा एजेंडा है कि अविलंब आवाज़ हम लोग उठाएंगे और उठाएंगे ही नहीं, हम उस मुकाम तक अपने भाइयों को पहुंचाएंगे कि किसी भी स्तर पर आपको जहां भी परीक्षा देना हो कहीं से संदेह करने की जरूरत नहीं है, कहीं से गार्जियन को चिंतित होने की जरूरत नहीं कि आखिर हम जाएंगे तो वहां रहेंगे कहां। इसकी पूरी समुचित व्यवस्था होगी, यह हम अपने भाइयों को विश्वास दिलाते हैं। आगामी जो हमारी एजेंडा है, हम लोग जो अपना विचार रखे हैं, निश्चित तौर पर जो अभी तिरहुत में आ रहा है लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं तो हमको मौका मिलेगा और हम इस एजेंडे को लागू करने का भरपूर प्रयास ही नहीं करेंगे बल्कि विश्वास दिलाते हैं कि इसको लागू करा के रहेंगे। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी देखने को मिल रही है अभी, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जा रहा है इन सब बातों पर। अब तो यही हम पहले भी कहे कि यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे विधान परिषद में जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आप प्रतिनिधित्व किसका कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि के लिए अलग हैं, वो उनकी आवाज़ उठाते हैं, आप स्नातक के लिए है और हम तो इतना आपको बताना चाहते हैं कि जब हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो जो देहात के इलाके में भी जो सरकारी कॉलेज थे उसमें हर डिपार्टमेंट में 3-4-5 शिक्षक हुआ करते थे और समुचित शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन जहां विकास के दौर में राज्य आगे बढ़ रहा है वहां महाविद्यालय शिक्षा जो है जिसके प्रतिनिधित्व करने की कुछ लोग बात करते हैं कि हम इसके प्रतिनिधि हैं, हम 3 बार इसके प्रतिनिधि बन गए, तो बन तो गए लेकिन आपके प्रयास से किसी भी महाविद्यालय में क्या शिक्षक समुचित व्यवस्था, एक भी महाविद्यालय को आदर्श महाविद्यालय के रूप में देखा जा सकता है? कहीं भी आज शिक्षक की समुचित व्यवस्था नहीं है। डिपार्टमेंट है, अगर 17 डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं कॉलेज के अंदर तो पता चलेगा उसमें से जो है 11 डिपार्टमेंट में शिक्षक ही नहीं, और जो बचे हुए डिपार्टमेंट में शिक्षक है किसी में एक है, किसी में 2 है और उनको इंटर से लेके MA तक की शिक्षा देना है। तो उस स्थिति में यह प्राथमिकता के आधार पर इस लड़ाई को हम लोग मुकाम तक पहुंचाएंगे कि हर महाविद्यालय में शिक्षक की समुचित व्यवस्था हो, ताकि अगर हम स्नातक का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमारे महाविद्यालय से ऐसे स्नातक निकले जो देश के लिए, समाज के लिए उस बुलंदी को छुए, वह काम करे ताकि उनका भी जीवन सफल हो और इस समाज का भी लोग उनको कहे और समाज भी सुखी हो कि हमारे समाज का लड़का आज यहाँ से स्नातक करके दिल्ली में काम कर रहा है, बॉम्बे में बड़े जगहों पर काम कर रहा है, और हमारे नेता जो लगता है कि अभी जो स्नातक की का प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी इच्छा अब क्या है ये तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमारा अपना सोचना है कि हम ऐसा स्नातक बिहार में पैदा अपने तिरहुत क्षेत्र में नहीं करना चाहते हैं कि सिर्फ हमको वोट दे और उसके बाद जीवन में वो कहीं किसी काम के लायक नहीं रहे। अगर अच्छा स्नातक देना चाहते हैं तो अच्छे शिक्षक की बहाली सभी महाविद्यालयों में होनी चाहिए, इसकी लड़ाई हमारी प्राथमिकता में है। क्योंकि आप शिक्षक नेता हैं तो जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए क्या योजनाएं रही? जो नियोजित शिक्षक हैं वो लोग पूरी तरह से जानते भी हैं कि छात्र राजनीति के बाद जब बिहार में 1500 पर शिक्षकों की बहाली हुई उस समय से हमको लगा कि कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षक जो बेरोजगार लोग थे वो शिक्षक के रूप में जब बहाल हुए तो यहाँ भी उनका सम्मान नहीं हो रहा, तो हमने एक प्रयास किया और संगठन बना के शिक्षकों की लड़ाई तब से हमने प्रारंभ कर दिया और आज कुछ ऊंचाई तक तो हम पहुँचे हैं
लेकिन अभी काफी लड़ाई हमारी बाकी है। जो मान सम्मान की बात है अभी उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गया है। जो सरकारी स्तर पर व्यवस्था है कुछ चीज़ों में हमको सामान्यता दिया गया, लेकिन कुछ चीज़ों में काम सामान्य से भी अधिक लिया जाता है। लेकिन जब दाम की बात होती है कि भाई आप अगर राष्ट्र निर्माता हो, हम लोगों को बताते भी हैं कि शिक्षक अगर राष्ट्र निर्माता है तो जब राष्ट्र निर्माता शोषित होगा, पीड़ित होगा, तो मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता है। 2008 में भी लड़ने का काम किया, 14 में भी लड़ने का काम किया, 14 की भी स्थिति आप लोग जानते हैं, बहुत सारे साथी जानते हैं कि हम लड़ाई के किस छोर पर खड़े थे। तो निश्चित तौर पर स्नातक मतदाताओं का विश्वास बढ़ा है कि हमारा भाई 24 घंटा एक ही क्षेत्र में काम करता है। और हम तो कहते भी हैं कि सारे भाई जो सहयोगात्मक रवैया अपना रहे हैं, निश्चित तौर पर तिरहुत का जो नज़ारा है आपको बदला बदला सा मिलेगा। हमने एक संदेश भी दिया है अपने भाइयों को कि अपनों की कसम, सपनों की कसम, इतिहास पुराना बदलेगा, सहयोग करे, विश्वास करे, तिरहुत का नज़ारा बदलेगा। तो आप तमाम साथियों का सहयोग रहेगा तो हमने जो एजेंडा था अपना, जो अपने बुद्धि विवेक से आपके बीच रखने का काम किया, और भी जो हमारे साथी सुझाव देंगे उसकी लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे। लड़ाई ही हम तो निश्चित तौर पर हमको देखने को मिल भी रहा है कि तिरहुत में एक नारा भी गूंज रहा है कि तिरहुत को प्रवासी अब नहीं चाहिए। प्रवासी से बहुत दिनों तक काम नहीं हो पाया है और जो होना था वो हुआ भी, लोगों ने मौका देके देख लिया है। इसलिए हर जगह अब लोग कह रहा है कि प्रणय भाई अब प्रवासी से काम नहीं चलेगा, अब इस बार तिरहुत का निवासी चाहिए, और तिरहुत के निवासी के रूप में लोग अपने भाई को अपना रहे हैं। यह हर जगह हमको लोग बता रहे हैं कि इस बार आपको यहाँ के निवासी होने के नाते, क्योंकि प्रवासी को हम लोग आजमा के 18 वर्ष देखे हैं, तो एक बार निवासी को आजमा के देखेंगे।